गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम इससे पहले दो क्लास पढ़ चुके। उसमें पढ़ा के था हमने फर्स्ट क्लास में तो जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन वाला पढ़ा था, उसके साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड क्लास पढ़ा था हमने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और इनके अलावा कैटालिस्ट है और ये सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या कैटालिस्ट ये, और एक था इसमें रेडिएशन। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में, फैक्टर अफेक्टिंग कंप्लीट हो गई। उसके साथ हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ यानी वेग नियम, किस प्रकार से लिखा जाता है वो पढ़ना है। तो रेट लॉ होता क्या है, ये एक प्रकार की इक्वेशन या समीकरण होती है। तो इसमें देखें हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन है ए ए प्लस में बी बी, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिया करके बना रहे हैं सी सी प्लस में डी, ये बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए के मोलों की संख्या ए है और बी के मोलों की संख्या बी है, या फिर और दोनों आपस में यानी रिएक्टेंट ए के ए मोल्स और बी के स्मॉल बी मोल्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट सी और डी के सी और डी मोल्स से उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हो ना एबीसीडी, ये इनके मोलों की संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से जनरल रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन के लिए अपने को लिखना है रेट लिखना है, तो इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या लिखा जाएगा, तो उसमें हम लिखेंगे ऊपर तो कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय डीटी, कितने टाइम में इतना चेंज हो गया कंसंट्रेशन में, कि हम ये नहीं स्पेसिफाई करेंगे रिएक्टेंट का है या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, ये किसके इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये इक्वल होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के गुणनफल के प्रोपोर्शनल रहेगा। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ट वागे का जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के गुणनफल के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये हमने लिख दिया, ये रिएक्टेंट ए था इसकी कंसंट्रेशन इसको लिख दी और ये लिख दिया बी, या ए और बी बता रहे इसके मोलों की संख्या हमने कितनी ली है। अब इसमें समानुपाती को हटाएंगे तो इसी को हम कैसे लिखेंगे dx upon में dt, अब रेट dx upon dt को शो कर रहा है इज इक्वल टू k और यहाँ पे हम लिखेंगे a की पावर a और b की पावर b। अभी जो k आया ना कॉन्स्टेंट इक्वेशन में उसे हम क्या बोलेंगे रेट कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है, k को हम बोलेंगे यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट। अब ये समझ में, अब कई बार ये पूछ देते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट है, ये तो रेट को बता रहा है dx quantity रेट है और k यहाँ पे क्या है रेट कॉन्स्टेंट है। यदि हम मान लें कि यदि इस रिएक्शन के अंदर a रिएक्टेंट और b रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस में है यूनिट्स में, a और b की कंसंट्रेशन सेम है और ये यूनिट्स में मतलब इसकी वैल्यू एक है, तो इसकी जगह एक रखेंगे इसकी जगह एक रखेंगे तो एक को एक से मल्टीप्लाई किया एक ही आएगा, उस एक को यदि k से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी k ही आएगा। वहां पे dx अपॉन में dt है वो किसके इक्वल हो गया k के इक्वल हो गया, यानी इस कंडीशन में रेट है वो किसके इक्वल हो गया रेट कॉन्स्टेंट या वेग स्थिरांक के बराबर हो गया। अब हम लिख सकते ना, इससे तो ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते थे कि रेट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन इस वाले इक्वेशन से तो हम रेट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या रहेगी यहाँ पे, तो इसमें हम लिखेंगे यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यूनिट्स में हो या इकाई में हो, यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इनकी सांद्रता इकाई या यूनिट्स में हो तो उस रिएक्शन का रेट ही उस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट कहलाता है, या उस कंडीशन में उस रिएक्शन का रेट और रेट कॉन्स्टेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते, वहां पे रेट ही क्या कहलाएगा रेट कॉन्स्टेंट कहलाता है। और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन आएगी उसको स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है, विशिष्ट वेग स्थिरांक के नाम से इसे हम जानेंगे। यदि इसको हम स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट बोलेंगे इस कंडीशन में जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है इनकी कंसंट्रेशन यूनिट्स में हो, जब हम इसको क्या बोले के को बोले स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, तो रेट को भी क्या बोलेंगे स्पेसिफिक रेट ही बोलेंगे कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यूनिट्स में हो उस टाइम उस रिएक्शन के रेट और रेट कॉन्स्टेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उस टाइम रिएक्शन का रेट है वो स्पेसिफिक रेट कहलाएगा और ये रेट कॉन्स्टेंट है वो स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाएगा। ये हो गया इसका ये रेट लॉ वगैरह। तो ये वाले जो इक्वेशन है ये वाले इक्वेशन बोले या ये बोले ये रेट लॉ को प्रदर्शित कर रही है, यानी किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब मान लीजिए इसके मोलों की संख्या दो थी, तो हम क्या करेंगे
पावर की जगह 2 लगा देंगे, इसकी जगह कुछ नहीं था तो हम इसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे, या फिर 1 लगा देंगे, एक ही बात है। इस प्रकार से रेड फ्लो है वो लिखे जाते हैं। आगे कुछ रिएक्शन है, उस रिएक्शन के रेड फ्लो हम लिख के देखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। उससे पहले हम इस रेड कॉन्स्टेंट के की क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे। देखें इसमें रेड कॉन्स्टेंट को इस कंडीशन में स्पेसिफिक रेड भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेड रेड भी इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। स्पेसिफिक रेड कॉन्स्टेंट के साथ साथ में स्पेसिफिक रेड भी से कहा जा सकता है, ठीक है। अब पढ़ने अपने को ये जो अपना स्पेसिफिक रेड कॉन्स्टेंट या रेड कॉन्स्टेंट आया है के, इस के को पढ़ना है, इसकी यूनिट्स है वो किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रकार से यूनिट्स रहेंगी। रिएक्शन रेट की यूनिट्स हमेशा ही सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट्स है वो रिएक्शन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। इसका एक फॉर्मूला बनता है वो आपको याद रखना है, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे पहले वो देखें। यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट देखें इसमें, ठीक है। यूनिट्स में देखें हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। पहले तो हम रेट की यूनिट्स निकालते हैं। रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे ये रेट होता है डीएक्स अपॉन में डीटी के, यानी ऊपर तो लिखी जाएगी इसमें कंसंट्रेशन की टर्म और नीचे आएगा इसमें टाइम की टर्म। कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं, तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर से लिखते हैं, मोल और उसके नीचे आ जाएगा लीटर, और उसके नीचे क्या है टाइम, टाइम को हम लिखेंगे सेकंड में। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, तो अब इसको जब पूरे को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 ऊपर आएगा और सेकेंड कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये बन गया। अब हमें आगे इसमें क्या चेंज करना है, रेड के इक्वल चल रहा है ये, अब हम आगे इसमें चेंज करेंगे कि मोल तो ऐसे कैसे रखे लीटर ऊपर लेके जाएंगे, दोनों को ऊपर लिखे देंगे तो लीटर तो आ जाएगा इनवर्स में और सेकेंड भी किस में आ जाएगा इनवर्स में। ये रहेगी रेट की यूनिट, मोल पहले भी देख चुके हैं वाली यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमें पढ़नी है रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट, तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट पढ़ेंगे, तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि डीएक्स अपॉन में डीटी इज इक्वल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी, इसी तरह से आगे और रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी पावर है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में आएंगे सारी पावर से रिएक्टेंट वालों के, आगे समझ में। अब डीएस अपॉन डीटी है ये वाला, इसकी जो यूनिट्स आई है ये वो हम यहाँ निकालते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, तो इसको हम लिखेंगे मोल पर लीटर इनटू में 1/सेकेंड, ये हो गया। इस साइड में स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट ऐसे का ऐसा लिखेंगे। आप ए भी कंसंट्रेशन को शो करें, कंसंट्रेशन कैसी भी हो वो हमेशा ही मोल पर लीटर में लिखी जाएगी, पावर इसकी ए है। अब बी वाले की कंसंट्रेशन है वो भी हम लिखेंगे मोल पर लीटर में, तो जितने भी कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं बस उसके ऊपर ये सारे मल्टीप्लाई में भी आगे आएंगी, तो वो भी किसमें होंगी मल्टीप्लाई में रहेंगी, हो गया। अब हम नेक्स्ट देखो इसमें चेंज क्या करेंगे, यदि हम के को इस साइड रखें बाकी सारे को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो के को हम यहीं पे रख लें और उठा के इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लीटर ऊपर आ जाएगा इसमें और मोल है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो ये तो सेम यही रहेगा मोल पर लीटर, इसके साथ में 1/सेकेंड, या फिर इसको मांगने के पहले मोल वाले टर्म को कंसंट्रेशन टर्म को एक साथ में लिखते हैं मल्टीप्लाई में, इन दोनों की लीटर वाली ऊपर आएगी, तो इन दोनों की हम साथ में लिखें तो मल्टीप्लाई वाली है वो हमेशा प्लस में आती है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लीटर ऊपर है और मोल नीचे और ए प्लस में बी, आगे भी अगर और कंसंट्रेशन टर्म होती वो इस प्रकार से लिखी जाती, मल्टीप्लाई में ये वाली लिख सकते हैं जो बच गई थी 1/सेकेंड। अब देखो इनमें हम चेंज कैसे करेंगे, इसकी पावर 1 मानेंगे, ये यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई में, इसको यदि हम इस फॉर्म में लिखें, यदि इसमें मोल ऊपर ले जाए लीटर नीचे ले जाए, तो ये किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे ना, ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल
मोल पॉलिट्रिक्स में कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पावर के रूप में बचेगा वन, और माइनस में यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, आगे जो भी प्लस में है वो सारे के सारे इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये सारे के सारे ना एक साथ में ऐसे भी बना सकते हैं, इसको प्लस में आगे जो भी वैल्यू है वो, और यहाँ पे क्या है वन अपॉन में सेकेंड। ठीक है, अब इसमें आगे हम के वाले में और चेंज करें तो वो चेंज में यहाँ लिख रहे हैं इस साइड में, देखें चेंज होने के बाद में अपना बनेगा यहाँ पे कि इस पूरे को हम एन बोल सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एन किसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस आगे जो भी उसके इक्वल होता है, इस पूरे को हम एन लिख दें तो ये क्या बनेगा के इज इक्वल टू मोल पर लीटर वन माइनस एन, और सेकेंड को ऊपर लिखा जाएगा तो ये क्या बनेगा सेकेंड इनवर्स बनेगा, ये रहेगी रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट, इसमें सेकेंड इनवर्स सभी में कॉमन है सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एन लिख दिया तो एन का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे जीरो ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके हिसाब से ये वाले मोल और लीटर की जो ऊपर पावर आती है प्लस में माइनस में इस प्रकार से चेंज होती जाएगी, वो चेंज किस प्रकार से होगी वो अभी हम देखेंगे, जहाँ पे एन याद रखना एन क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाली रहेगी इसकी यूनिट्स। हम सभी रिएक्शंस के लिखेंगे यहाँ पे, देखें अब हम सभी रिएक्शन के लिखते हैं एक एक करके, बस ये फॉर्मूला याद रखना इस फॉर्मूले से सभी यूनिट्स की सभी ऑर्डर वाली रिएक्शंस है ना उनके रेट कांस्टेंट की यूनिट्स है वो इसके बेस पे हम देख सकते हैं। देखें स्टार्ट करें सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, थर्ड तक लिख लेंगे, थर्ड तक आता है इसमें मोस्टली एग्जाम, क्योंकि थर्ड या थर्ड से ऊपर वाली जो ऑर्डर की रिएक्शन है वो जनरली पॉसिबल नहीं हो पाती, जनरली थर्ड ऑर्डर तक ही पूछ जाएगा अपने से। देखें इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के देखो क्या एन की जीरो ऑर्डर का मतलब है एन की वैल्यू क्या है जीरो, इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर वन माइनस में जीरो, एन की जीरो रखते हैं और यहाँ सेकेंड इनवर्स में लिखा जाएगा। अब पता है वन माइनस जीरो एक में से जीरो उठाया एक ही बचेगा, तो मोल की पावर भी वन लीटर की पावर भी वन है, अब मोल की पावर वन है उसको तो डायरेक्ट लिख देंगे मोल, वन लगाने की जरूरत नहीं है नीड नहीं है, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर वन में है ऊपर जाके माइनस वन बनाएगा, तो इसको ये भी सही है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लीटर में आएगा एक सीधा एल लिखे लीटर में इनवर्स और सेकेंड में भी क्या है इनवर्स, ये रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट की नोट, के नोट लगाएंगे यहाँ पे के जीरो बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की नोट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या है वन आएगा, तो के वन इज इक्वल टू आ जाएगा वही मोल पर लीटर इसकी पावर वन माइनस, अब एन की जगह हम क्या रखेंगे वन रखेंगे वन माइनस वन, यहाँ सेकेंड इनवर्स आएगा, वन में से वन क्या है जीरो, जीरो बजेगा इसकी पावर, तो मोल की पावर जीरो लीटर की पावर भी जीरो, और किसी की भी पावर जीरो का मतलब होता है वन। ठीक है, किसी की पावर जीरो का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, अभी हम बोला कि वन आ गया तो मोल की पावर वन लीटर की पावर वन, वो वन नहीं आता इस पूरे का ही वन बन जाएगा, ऐसे वन का मतलब थोड़ा लिखा हमने एक्स वन है, किसी की पावर जीरो का मतलब वो उस पूरी टर्म को क्या वन के इक्वल रख देगा, तो यहाँ पे वन में से वन गया जीरो, इस पूरे की पावर जीरो मोल की भी जीरो लीटर की भी जीरो, तो पूरे की जगह वन आ जाएगा, वन को सेकेंड यूनिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड यूनिवर्स ही रहेगा, इस कारण से इसकी यूनिट्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट से वो रहेगी सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट आएगी आपकी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में हम बढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए, ये याद रखना हमेशा किसी की पावर जीरो का मतलब एक होता है, पूरी टर्म ही वहां पे आपको एक करनी है, ना कि ऐसे मत करना कि आप पावर को वन कर रहे हो, किसी की पावर जीरो का मतलब पूरी टर्म ही किसके इक्वल है वन के इक्वल है। देखिए क्या करेंगे हम, उसके बाद में पढ़ेंगे हम थर्ड के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला बनाएंगे तो के
टू इज इक्वल टू मोल, उसके नीचे लिखेंगे हम लीटर, और पावर में आएगा वन माइनस एन था ना, तो एन की जगह हम दो कर देंगे। यहाँ पे वही रहेगा सेकेंड इनवर्स, वन माइनस टू छोटे संख्या में से बड़ी संख्या माइनस में हो रही ना, तो घटेगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो दो में से एक गया, एक ही बचेगा, लेकिन वो एक किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस में आ गया। तो इसको हम देखो किस प्रकार से कहेंगे, के टू इज इक्वल टू मोल पर लीटर पूरे की पावर माइनस वन है, ठीक है, और सेकेंड क्या है, इनवर्स है, यहीं पे चेंज कर लेंगे इसको। अब देखो मोल की पावर तो माइनस वन है, तो आ गया ही तो कि माइनस वन है, अब लीटर की पावर भी माइनस वन है, यहीं पे है तब माइनस वन है, अब यहाँ माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का वन बनाएगा, तो यहाँ आने के बाद में लीटर की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में, तो इसको लीटर को हम सीधे लिख देंगे सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इस वाले का जस्ट अपोजिट है, इसमें अपोजिट नहीं है सिर्फ इनमें, इसमें था मोल पर लीटर, इसमें है लीटर पर मोल, मोल इनवर्स बोल देंगे, ठीक है। ये रहेगी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट। उसके बाद फोर्थ करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसे चार या एनी में से घुस जाती है। फर्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है एन की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी थर्ड ऑर्डर में, तो यहाँ पे आएगा अपने के थ्री इज इक्वल टू मोल पर लीटर और वन माइनस में थ्री, एन की जगह थ्री आ गई इस बार, सेकेंड इनवर्स सेम ही प्रोसेस होगी, एक में से तीन, तीन में से एक गया बचेगा दो, लेकिन दो माइनस का आएगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो इसमें हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का टू। अब पता है मोल के लिए तो क्या आएगा, मोल पे तो सीधा यही है माइनस का टू है, लेकिन लीटर पे भी माइनस टू है इस कंडीशन में, लेकिन लीटर जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये प्लस का टू बना लेगा, इसको हम बोलेंगे लीटर स्क्वेयर, मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स। ये रहेगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट की, ठीक है। इस प्रकार से सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसमें एन की वैल्यू रखते जाओ, यूनिट्स है वो आती जाएंगी। रेट कॉन्स्टेंट वाला, अब ये मत देखना हमेशा, जैसे कि टाइम को हमने सेकंड में लिया ना, तब यहाँ पे हमने सेकंड सेकंड लिखा है टाइम वाले यूनिट को, यदि हम टाइम को मिनट में लिखेंगे तो मिनट इनवर्स आएगा सभी में, और यदि हम टाइम को हावर में लेते हैं तो हावर इनवर्स आ जाएगा सभी में, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी मोल पर लीटर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, मोल लीटर एज इट इज रहेंगे, केवल टाइम यदि मिनट में है तो मिनट लिखेंगे, सेकंड में तो सेकंड लिखेंगे, और हावर में तो हावर लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका रेट लो और रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट। उसके बाद लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, हम रेट कॉन्स्टेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, और उसके साथ में पढ़ने आपको कि न्यूमेरिकल्स हैं वो किस पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, इजी न्यूमेरिकल, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखो इसमें ग्राफ बनते हैं इस प्रकार से, ये देखो एक रिएक्टेंट के लिए बनाएंगे हम और एक बनाएंगे इसमें प्रोडक्ट के लिए, मतलब रिएक्शन वही मान ले हम कि रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी से सी प्लस डी, तो यहाँ पे हम ए रिएक्टेंट वाले कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में हम डी वाले लिख रहे हैं, इस साइड में हम लिख रहे हैं टाइम, और इस साइड पे हम क्या लेंगे, यानी टाइम और उसके साथ में दूसरे वाले एक्सिस पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लिखनी है। अब पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, डिक्रीज होगी, अपने को पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा इन टाइम के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती है, हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये वाला ग्राफ बनेगा। प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, तो ज्यादा ही बन गया।
क्या बोले, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे लेते हैं, टेंजेंट लगाते हैं इसमें, और इसमें लगाएंगे वो रहेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस लाइन को टच करते वक्त ऐसे लगा लें। अभी कर्व बनाने के बाद देखिए बन गया, टेंजेंट खींच दिए इसमें। अब हम इसमें कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, इसी ले लिए दो पॉइंट। अब इसके सापेक्ष ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये तो है जो चेंज इन कंसंट्रेशन इतने, और यहाँ पे टाइम पे लगाएंगे, यहाँ तो रहेगा ये डेल्टी टाइम का चेंज, इसके सापेक्ष कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, डी टी लिख दें तो इसको डी सी सी ए लिख दें, इसका मतलब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है इतने टाइम में, वो इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे जो रेट निकलेगा उस रेट को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। इस यहाँ इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट है वो किसके इक्वल आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस में डी सी ए अपॉन में डी टी इक्वल आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए। इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का और एक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइम था ये और यहाँ पे टाइम था ये, यानी इस dt टाइम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई, तो उससे भी हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, ये होगा डी सी डी के, ठीक है, डेल डी लिख देंगे। अब इसके लिए यदि हम रेट लिखना चाहिए तो वो भी एवरेज रेट ही होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, प्लस में डी सी डी अपॉन में डी के। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। रेट निकाल करके हम यदि अपने कंसंट्रेशन पता हो तो हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल से वो करेंगे हम, ये याद रखना कि इतने टाइम में इतना चेंज हुआ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, और इतने टाइम में इतना चेंज हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, तो इससे हम रेट को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखें इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, किस प्रकार से करेंगे। एवरेज रेट निकालना है तो एवरेज रेट का ये फॉर्मूला रहेगा, ऊपर कंसंट्रेशन में जितना चेंज होता है वो रिएक्टेंट की है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज है, और नीचे उस चेंज में कितना टाइम लगा वो। इसी प्रकार से प्रोडक्ट के लिए तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में, नीचे टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके क्वेश्चन देखें, इसका क्वेश्चन है किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ट। क्वेश्चन है किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 25 मिनट में, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट है ये, तो उस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 25 मिनट में कितनी थी, पहले 0.044 से 0.044 से 0.0322 हो जाती है, इतने टाइम पीरियड में कि 25 मिनट के जो ड्यूरिंग का टाइम था ना, इस टाइम गैप में, इस टाइम गैप में आपको क्या याद करना है, एवरेज रेट कैलकुलेट, ठीक है। तो अपने को पता है एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको हम सोल्व करें तो एवरेज रेट को कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, रिएक्टेंट की बात हो रही है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, ऊपर रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ है वो, और नीचे लगेंगे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड टाइम दिया हुआ अपने को कि 25 मिनट है, इतने टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतने से इतने होगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी अपने को फाइनल में से इनिशियल करना है, तभी यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 0.044 से हो गई ये 0.0322, ये वाली वैल्यू होगी 0.032, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे तब तो ये माइनस नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे कि 0.0322 से 0.044 हो गई, कितनी हो गई। अब इसको अपने को सोल्व कर रहे ऊपर वाले को, और इसमें से कर लो आप माइनस 0.044 में से 0.0322 कर लो, 4 में से 2 2
4 में 3 1 0 0 ये आ जाएगा। अभी जो वैल्यू आएगी ना अपनी वो आएगी माइनस में, अभी माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसका जो आंसर माइनस में आएगा उसको इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी प्लस में, तो प्लस में 0.012 डिवाइड बाई 25 कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में यहाँ पे चल रही है आपकी मोल पर लीटर में। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रेट आएगा आपको रहेगा 4.8 × 10⁻⁴, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, सोल्व करने के बाद आ गया और इसकी यूनिट्स क्या रहेगी, ऊपर तो था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मिनट ऊपर जाएगी किस में चेंज हो जाएगा मिनट इनवर्स में, ऐसे मिनट इतना लिखो मिनट इनवर्स में, ये रहेगी रेट एवरेज रेट की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन से ऐसे देखना है। तो टाइम गैप दिया हुआ रहेगा उसको नीचे रखो और उस टाइम में कितने कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है तो इसको माइनस कर दो, इतने से इतने हुई है माइनस करके, तो ये ना बाद वाले से पहले वाले माइनस करनी है, रिएक्टेंट के लिए पहले माइनस लगाना है, ये वैसे ही माइनस आएगा कम में से ज्यादा घटाएंगे माइनस माइनस प्लस होगी वैल्यू इस प्रकार से, ये रहेगी आपकी एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला। एवरेज रेट के बारे में देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी ऐसे निकाल सकते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कि रेट की और किस किस पे डिपेंडेंसी होती है, तो रेट की इसके अलावा जो डिपेंडेंसी होगी वो तो रहेगी, एक तो रहेगी रिएक्शन के ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, और एक होता है इसमें मोलेक्युलरिटी, इन दोनों को पढ़ना पढ़ के भी है 12th क्लास में कि रिएक्शन का जो रेट है उसकी किस किस पे डिपेंडेंसी और होती है, तो उसमें एक तो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, वो मोलेक्युलरिटी पे भी डिपेंड करता है, तो मोलेक्युलरिटी क्या होती है, ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, कितने टाइप की रिएक्शन होती है ऑर्डर के बेस पे वो पढ़नी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है।